नमस्कार. आज 30 मार्च महानगर पालिका का उपलब्ध पत्र निवेदन मैं दे रही है. बाह्य रुग्ण जिसको हम ओपीडी कहते हैं वो 206 पेशेंट मिले हैं. संशयित रुग्ण ये 61 है. आज का दिन में पॉजिटिव रुग्ण 20 मिले हैं. एक पूरा पॉजिटिव रुग्ण 20 है मुंबई में और एक मृत्यु की संख्या है. अच्छे होके पेशेंट जो गए हैं वो 15 हैं. मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर में 5 अद्यावत लैब बढ़ा दिया है, 5 खासगी लैब जो प्राइवेट बोलते उसको भी अद्यावत कर दिया है. अपनी महानगर पालिका की आरोग्य पथक जो रहते हैं पथक वो जाके घर में ट्रेस करके पेशेंट का नमूना चाचने लेके वो ट्रेस करते वो भी अभी काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है. महानगर पालिका अभी डिजिटल मॉपिंग कर रही है. जो अपना मनपा का संकेत स्थल जो है उसके वन क्लिक करने के अपने को मालूमत हो जाएगा कौन सा एरिया इफेक्टेड है, कौन सा एरिया में जाने का नहीं है, कौन सा एरिया लॉकडाउन किया गया है. तो मुझे लगता है टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने बाकी मीडिया से अपने को ये सब माहिती मिल रही है. तो लोगों को एक विनंती है कि हाँ, आप लोग रास्ते पे नहीं आने का है, अपना घर नहीं छोड़ना है, अपने जो सीनियर सिटीजन है उनकी तबीयत का ख्याल रखना है, बच्चे लोग का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है. और मुझे लगता है जो हमारा कोरोना का जो संकट है हम लोग इसी तरह बंदिस्त होके रहते हैं तो जल्द से जल्द एक कोरोना का संकट हम टाल सकते हैं. और मुंबई कर की जनता बहुत अपने से जुड़ी हुई है, सहकार्य कर रही है. तो भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 दिन बहुत ही अपने लिए ज़्यादा मायने रखती है कि ये डेंजर पोजीशन है 15 दिन की. वो डेंजर पोजीशन में हम लोग घर में ही बैठे, घर के बाहर नहीं आने का, एक ही घर का सदस्य जाके सब्जी या कुछ लगता है ये 8 दिन का लेके आए और अपने अपने को बंदिस्त रख के सुरक्षित रखो.